इन साइड द बॉडी आज हम एक नया एक्सरसाइज करने वाले हैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको आपका वर्कबुक और टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज को कंप्लीट करने तथा याद करने में उपयोगी होगा यह लेसन नंबर इलेवन अ लुक इनसाइड द बॉडी का एक्सरसाइज है आई ट्राई माई वेस्ट to explain each and every question of this lesson so that it become useful to you to memorize the exercise chaliye ज़्यादा samay na lete hue इस exercise को शुरू करते हैं और हाँ मैंने इस exercise का PDF link description box में दे दिया है तो शुरू करते हैं हम exercise अल्लुक inside the body, okay? Now, first question. Which part of our body do we use for the following? Seeing, seeing देखते किससे? Eye से. Walking legs, hearing ears, writing hands and fingers. तो ये बहुत ही simple था ये हमने कर लिया. Next हम देखते हैं. व्हाट इज मींट बाय एक्सटर्नल ऑर्गन गिव सम एग्जांपल एक्सटर्नल ऑर्गन किसे कहते हैं उसके एग्जांपल दो एक्सटर्नल ऑर्गन्स का मतलब होता है वह ऑर्गन जो शरीर के बाहर रहते हैं द ऑर्गन लोकेटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी आर कार्ड एक्सटर्नल ऑर्गन वह ऑर्गन जो हमारे शरीर के बाहर होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन जैसे हैंड्स लेग हेड नेक इट्स आर आल एक्सटर्नल ऑर्गन ये हमारे क्या हैं एक्सटर्नल ऑर्गन हैं जो हमारे शरीर के बाहर हैं जिन्हें हम देख सकते हैं क्वेश्चन थर्ड देखिए बीच पार्ट्स ऑफ बॉडी आर कार्ड सेंसरी ऑर्गन वाई आर दे कार्ल्ड सो मतलब किस बॉडी पार्ट्स को हम सेंसरी ऑर्गन कहते हैं और उन्हें ऐसा क्यों कहते हैं तो देखिए आंसर आइज़ नोज ईयर टंग एंड स्किन आर कार्ल्ड सेंसरी ऑर्गन आइज नोज ई ईर टिक्किन को हम सेंसरी ऑर्गन कहते हैं क्यों कहते हैं आगे देखते हैं विथ द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गन वी आर अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग मतलब इन ऑर्गन की वजह से हम अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है हमारे आस पास क्या हो रहा है इसकी हमें जानकारी मिलती है देयर फोर दे आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन इसलिए इनको हम सेंसरी ऑर्गन कहते हैं ठीक है समझ में तो आइस नोज आइस हो गया नोज हो गया ईयर्स हो गया टंग हो गया स्किन हो गया ये हमारे सेंसरी ऑर्गन हैं क्योंकि इनकी वजह से हम ये जान पाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है ठीक है जैसे आई आँखों से हम देखते हैं नाक से हम सुन सूंघते हैं ईयर से हम सुनते हैं टंग से हम स्वाद लेते हैं स्किन के बारे से हम ठंडा मौसम है कि गर्म मौसम है इसकी जानकारी मिलती है हा? तो ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं सेंसरी ऑर्गन जिनसे हमें आसपास की परिस्थितियों के प्रति जानकारी मिलती है नेक्स्ट देखते हैं वाई डज़ द चेस्ट एक्सपैंड वैन बी ब्रीदिंग जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती क्यों फैलती है आंसर है द एयर इंटर द बॉडी वैन बी इन डैट इज़ वाई द चेस्ट एक्सपैंड मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे अंदर जाती है शरीर के अंदर जाती है जिसकी वजह से हमारी छाती फूलती है नेक्स्ट है द डॉक्टर पुट्स पुट्स हर फिंगर ऑन योर रिस्ट टू फील योर पल्स यू कैन टू कैन फील योर पल्स व्हाट किज दिस थ्रोबिंग मतलब डॉक्टर आपकी आ, कलाई की नस को पकड़ता है कलाई पकड़ता है और आपकी नसों के स्पंदन को महसूस करता है क्यों ऐसा होता है क्यों ऐसा वो कर पाता है इसके पीछे कारण क्या है ठीक है मतलब डॉक्टर क्या करता है आपकी कलाई को पकड़ता है और देखता है कि आपकी नस चल रही है कि नहीं चल रही है थ्रोबिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है तो वी कैन फील द पल्स नियर द रिस्ट हम कलाई की स्पंदन को धड़कन को महसूस कर सकते हैं बिकॉज़ क्योंकि इनसाइड द रिस्ट ब्लड फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल क्योंकि कलाई कलाई में जो है जो ब्लड होता है वो बहता रहता है ब्लड वेसल के माध्यम से ठीक है तो कलाई में क्या होता है खून का दौड़ा होता रहता है बिकॉज द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड इज फूस फॉरवर्ड क्योंकि जब हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है सिकुड़ता है पंप करता है तो ब्लड जो होता है वो तेज़ी से आगे बढ़ता है दिसकाज थ्रोबिंग यही कारण है नाड़ियों के अस्पंदन का नाड़ियों के कंपन का ठीक है तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो ब्लड जब जो हमारा हार्ट है जो हमारा हृदय है वो क्या करता है जब कांटेक्ट करता है तो ब्लड को तेजी के साथ शरीर के अन्य भागों में भेजता है जिसकी वजह से हमारे कलाइयों में थ्रोबिंग होते रहता है स्पंदन होते रहता है चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी देखिए इंटरनल ऑर्गन क्या होता है आई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी बीच परफॉर्म सर्टन फंक्शन इस कॉल ऑर्गन इसका मतलब ये होता है जो स्पेसिफिक पार्ट जो हमारे शरीर का एक सर्टन फंक्शन करता है उसे कहते हैं ऑर्गन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी शरीर का वह स्पेसिफिक पार्ट बीच परफॉर्म सर्टेन फंक्शन जो एक फिक्स एक निश्चित काम करता है उसे कहते हैं ऑर्गन द ऑर्गन प्रेजेंट इन साइड द बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जो शरीर के अंदर स्थित होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है उसे कहते हैं इंटरनल ऑर्गन चलिए आगे देखते हैं ये हमारे यहाँ पे शुरू होता है क्वेश्चन आंसर आप इसको पहले समझिए यहाँ पे दिया है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट तो मैं आपको सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ आप देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है इसको देखते हैं ठीक है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहे तो द इंटरनल ऑर्गन डैट हेल्प डाइजेस्ट फूड आर प्रजेंट इन द एलिट एलिमेंट्री कैनल क्या आएगा यहाँ पे जो इंटरनल ऑर्गन है जो खाना पचाता है वो कहाँ होता है एलिमेंट्री कैनल में होता है सेकेंड वी हैव टू लंग्स थर्ड यहाँ टू आएगा एवरी थ्रोबिंग ऑफ द हर्ट इच कॉल्ड ए हर्ट बीट दिल का झड़कना क्या होता है थ्रोबिंग यहाँ क्या आएगा थ्रोबिंग बी बिकम डैश ऑफ ऑल आवर इमोशन इन द ब्रेन यहाँ पे क्या बनेंगे अवेयर फिफ्थ मतलब इसका मतलब होता है कि हमारा ब्रेन जो होता है हमारे इमोशन के प्रति जागरूक रहता है ठीक है द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वेयर कॉम्प्लेक्स क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आएगा द कैविटी ऑफ एबडोमन हैज़ टू पार्ट पेट में जो कैविटी होती है उसके दो पार्ट होते हैं एबडोमनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी कैविटी का मतलब होता है खाली जगह सेवन देखिए बी रिमेंबर इन्फॉर्मेशन डेट इज रजिस्टर्ड इन द ब्रेन दिस रिमेंबरिंग इज मेमोरी इसका मतलब बी रिमेंबर इन्फॉर्मेशन डेट इज रजिस्टर्ड मतलब इन द ब्रेन हमारे ब्रेन में जो जानकारी जो सूचना हमें याद रहती है ठीक है दिस रिमेंबरिंग इज कॉल मेमोरी ये जो हम याद कर रहते हैं उसको क्या हैं? कहते हैं मेमोरी कहते हैं ठीक है ठीके? मतलब जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारे ब्रेन में रजिस्टर होता है दिस हाँ, रिमेम्बरी उसको हम याद करते हैं जिसको उसे बोलते हैं मेमोरी बोलते हैं ठीक है एट द ब्रेन इज़ सिचुएटेड इन द क्रेनियल कैटी हमारा ब्रेन कहाँ स्थित होता है क्रेनियल कैविटी में होता है तो ऑसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड द गलेट द ऑल्सो फेगस इज ऑल्सो कॉल्ड द गलेट द हार्ट एंड लंग्स आर सेफ एंड सिक्योर इन द रिपकेज जो हमारा हार्ट होता है और लंग्स होता है वो हमारे रिब केज में सुरक्षित रहता है रिब केज मतलब कहता है पसली पसलियाँ छाती की पसलियाँ उसको बोलते रिब केज बोलते हैं नेक्स्ट देखते हैं ये आपका है ट्रू और फॉल्स है देखते हैं फर्स्ट ये देखिए ये आपका टेक्स्ट बुक का है स्टार्ट करके दिया गया है तो ऑसोफेगस इज इन दॉरेसिक कैविटी ऑसोफेगस कहाँ होती है ओसोफेगस का एक थोरेसिक कैविटी है छाती की कैविटी में होता है ऑशोफेगस ये ट्रू है द हर्ट इज़ अ लिटिल फिगर देन आवर फिस्ट तो जो हर्ट होता है वो हमारी मुठ्ठी से थोड़ा बड़ा होता है सही बात है ट्रू है द फूड इन द माउथ फॉर्म अड लम्ब मतलब जो भोजन होता है मुंह में मुँह में क्या हो जाता है एक गोला बन जाता है ठीक है तो मुँह क्या करता है भोजन को एक गोले के रूप में बदल देता है ये ट्रू है फोर्थ देखिए इन द ब्रेन बी इंटरेप्ट इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाई द सेंसरी ऑर्गन ठीक है brain, organ. ब्रेन में क्या होता है जो हम सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से जैसे कि आई हो गया नोज हो गया ईयर हो गया तो इन सेंसरी ऑर्गन की वजह से जो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं वो ब्रेन में क्या होती है बैठ जाती है तो ट्रू है ठीक है तो सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से ये सारे सारी जानकारी हमारे ब्रेन में क्या होती है इकट्ठा हो जाती है नेक्स्ट देखते हैं द राइट लंग इज स्लाइटली बिगर देन द लेफ्ट लंग ट्रू है राइट right लंग जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है द वाइंड पाइप डिवाइड इंटू टू ब्रांचेस इच इच कॉल्ड ब्रोंचेस तो जो विंड पाइप होता है उसके दो ब्रांच होते हैं ठीक है उसको क्या बोलते हैं ब्रंचस क्या बोलते हैं ब्रंचस ट्रू द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड स्टोमक डिपेंड अपॉन इच अदर हार्ट और स्टोमक का फंक्शन जो है एक दूसरे पर डिपेंड रहता है ये फ़ाल्स है ठीक है हार्ट और लंग यहाँ लंग का जो फंक्शन होता है एक दूसरे पर डिपेंड होता है आगे देखते हैं द लेंथ ऑफ एलिमेट्री कैनल इज़ अबाउट नाइन मीटर ये रॉन्ग है एलिमेटरी एलिमेट्री कैनल का लेंथ जो होता है नाइन मीटर होता है ठीक है यहाँ टेन दिया है तो ये फॉल्स है नेक्स्ट देखिए द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट is कॉल हार्ट बीट फॉल्स ठीक है टेन इंजरी टू द ब्रेन डज नॉट अफेक्ट वन लाइफ ये भी फॉल्स है कि अगर ब्रेन में कोई चोट लगती है तो आपके लाइफ अफेक्ट नहीं करता ये गलत है ओके तो इसका इस स्क्रीन शॉट ले करके आप पूरा कर सकते हैं ठीक है इसमें टेक्स्ट बुक केवल फोर क्वेश्चन हैं बाकी जो है सब ये आपके वर्कबुक के हैं मैच द फॉलोइंग देखते हैं बहुत सिंपल है ब्लड सप्लाई देखते हैं ब्लड सप्लाई कौन करता है हार्ट करता है ब्रीदिंग सांस कौन सांस कौन लेता है लंग्स लेता है कैरी ब्लड कैरिंग फूड टू कौन है एलिमेंट्री कैनल है कंट्रोलिंग मूवमेंट कौन करता है ब्रेन करता है चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखिए नेक्स्ट साइज है कि क्रेनल कैविटी कहाँ होती है ब्रेन में होती है थोड़ा सी कैिटी कहाँ पे होती है हार्ट में होती है पेल्विक कैबिटी कहाँ होती है लोअर साइड ऑफ द आबडोमन मतलब पेट के निचले साइड में होती है पेल्विक कैबिटी आबडोमिनल कैबिटी कहाँ होती है कैविटी का मतलब होता है खाली जगह इम्पटी स्पेस तो एबडोमिनल कैविटी कहाँ होती है स्टोमक में होती है चलिए नेक्स्ट देखते हैं हार्ट एंड लंग हार्ट और लंग्स कहाँ होते हैं केज में होते हैं छाती में होते हैं छाती के पसडियों में होते हैं ब्रेन कहाँ होता है स्कल मतलब खोपड़ी में होता है ओसोफेगस कैरिंग फूड ऑसोफेगस में क्या होता है कि एक नली होती है जिससे जिसके जिससे होकर के, जिस हो के फूड जो है हमारे पेट में जाता है तो ऑसोफेगस एक नली है पाइप है जिसमें से होकर के भोजन हमारे पेट में जाता है वाइंड पाइप कैरिंग एयर वाइंड पाइप क्या करता है हवा को लेकर के जाता है हमारे फेफड़े तक चलिए वन वर्ड का आंसर देखिए ये आपके वर्कबुक का है विच ऑर्गन स्टोर द एटन फूड फॉर टाइम तो कौन सा ऑर्गन है जो फूड को स्टोर करता है तो है स्टोमक फ्राम वेयर इज अनवाटेड फेसेस थ्रोन आउट मतलब कहाँ से जो वेस्टेज जो मटेरियल होते हैं वो शरीर के बाहर कहाँ से निकाल जा, निकाले जाते हैं एन एस से वाट इज़ द टर्म फॉर बिकमिंग स्मॉलर इस्मालर होने के लिए कौन सा वर्ड आया है कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है हमारी छाती फूलती है ठीक है जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो हमारी छाती जो है वो क्या होती है सिकुड़ती है उसी तरह से हमारा हार्ट जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को बाहर ब्लड को आगे बढ़ाता है और जब सिकुड़ता है रिलैक्स होता है तो क्या कहता है जो इनप्योर ब्लड है उसको हार्ट में लेकर कहता है ठीक तो, है तो वाट इज द टर्म फॉर बिगमी स्मॉलर कंट्रैक्शन नाम है उसका वेयर इज पल्स फेल्ट बाय द डॉक्टर डॉक्टर पल्स को कहाँ महसूस करते हैं कलाई में नियर द रिस्ट विच इंटरनल ऑर्गन इज प्रेजेंट बिटवीन द टू लंग्स हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है बिटवीन द टू लंग्स में क्या होता है हार्ट है बिच इंटरनल ऑर्गन इज प्रेजेंट कौन सा इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू लंग्स दो लंग्स के बीच में दो फेफड़े के बीच में कौन सा इंटरनल ऑर्गन होता है तो हार्ट होता है हृदय हमारा दिल वाट आर द ब्रांचेज ऑफ वाइंड पाइप कार्ड वाइंड पाइप को क्या बोलते हैं हम बो? लोग इसको हम ब्रोंचेस बोलते हैं या ब्रोंची बोलते हैं विच इंटरनल ऑर्गन्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द इनफॉर्मेशन सेंट बाई सेंसरी ऑर्गन हमारा कौन सा इंटरनल ऑर्गन है हेल्प करता है मदद करता है टू अंडरस्टैंड समझने में समझने में द फॉर्मेशन सेंट बाई सेंसरी ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन जैसे हमारे आई नोज हो गए वो जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं उसको कौन समझने का प्रयास करता है तो ब्रेन हमारा दिमाग समझने का प्रयास करता है फिर है आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस वन सेंटेंस में आपको आंसर देना है तो देखिए वाट आर द फंक्शन ऑफ द टीथ एंड द टंग। टीथ और टंग का कार्य क्या होता है

ऑसोफेगस क्या करता है फूड को कैरी करता है लेके कर जाता है फ्रॉम द माउथ माउथ से होकर के पेट तक तो आइसो ऑसोफेगस जो होता है फूड को मुंह से लेकर के स्टोमक तक लेकर के जाता है व्हेन डज और पल्स बिकम स्लोअर एंड व्हेन डज इट बिकम फास्टर हमारी नस हमारी जो न हमारे जो ये नसों की धड़कन जो होती है नस जो होती है वो कब तेज होती है और कब स्लो होती है वेन वी स्लीप क्वार्टली जब हम शांति सोते हैं द पल्स इज़ स्लोवर सोते समय हमारी जो पल्स रेट जो होती है वो स्लो होती है लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो हमारी ये पल्स रेट बढ़ जाती है धड़कन बढ़ जाती है नेक्स्ट देखते हैं वाट इज़ बिंड पाए बिंड पाइप क्या होता है द ट्यूब विच कैरीज़ द एयर वो ट्यूब है जो हवा ले जाती है डेट वी इन जब हम सांस लेते हैं थ्रू आउट द नोज नाक से द लंग्स फेफड़े में स्कॉर्ड वाइंड पाइप इसका मतलब हो गया वाइंड पाइप क्या है एक ट्यूब है जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो है नाक से हो करके के हमारे फेफड़े में जाती है इसी पाइप की वजह से उसको हम बोलते हैं वाइंड पाइप तो एक ट्यूब की वजह से जब हम सांस लेते हैं तो वो हवा जो है नाक से होकर के हमारे फेफड़े में जाती है उसको हम कहते हैं वाइंड पाइप कहते हैं फिर है फाइव व्हाट हैपेंड टू दंग्स वेन बी इन जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़े का क्या होता है अ लंग्स एक्सपैंड अ लिटिल वन वी इन मतलब जब हम सांस लेते हैं तुम्हारा फेफड़ा जो है फैलता है गिव जन देखिए ये आपके क्वेश्चन जो हैं ये सारे क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक के हैं ध्यान से पढ़िएगा द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज सच डेट ऑल इंटरनल ऑर्गन रिमेन्स सिक्योर इन दियर प्लेसेस मतलब हमारे जो इंटरनल ऑर्गन हैं वो एक ही प्लेस पर बने रहते हैं ठीक है उन्हें इस तरह से बनाया गया है ठीक है देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज़ सच डेट हमारे शरीर की बनावट ऐसी है कि हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन सिक्योर मतलब सुरक्षित रहते हैं इन दियर प्लेस अपनी अपनी जगहों पर आंसर पढ़ते हैं इंटरनल ऑर्गन कैरी आउट वेरी इम्पॉर्टेंट वाइटल फंक्शन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करते हैं फंक्शन करते हैं देयर फोर दे शुड बी प्रोटेक्टेड वेल इसलिए उनकी प्रोटेक्शन अच्छे से होना चाहिए दे शुड नाट बी डैमेज वह ख़राब नहीं होने चाहिए ड्यू टू आवर मोमेंट हमारी गति के कारण हमारी गतिविधि के कारण वो ख़राब नहीं होने चाहिए डैमेज नहीं होने चाहिए देयर फॉर ऑल ऑफ दिस इंटरनल ऑर्गन इसलिए ये सभी इंटरनल ऑर्गन आज आर सिक्योरली लोकेटेड मतलब स्थित होते हैं इन द प्रॉपर प्लेसेस मतलब एक उचित जगह पर ये सुरक्षित होते हैं ये yeah, ठीक है समझ आए ना इंटरनल ऑर्गन कैरी आउट वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शन देयर फॉर दे शुड बी प्रोटेक्टेड बेल दे शुड नॉट बी डैमेज ड्यू टू मूवमेंट मतलब मूवमेंट के कारण वो डैमेज नहीं होना चाहिए इसलिए इसलिए उनकी अच्छी तरह से प्रोटेक्शन होना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर में शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करते हैं ठीक है इसलिए देर फॉर ऑल ऑफ दिस इंटरनल ऑर्गन आर सिक्योरली लोकेटेड इन द प्रॉपर प्लेसेस नेक्स्ट ब्लड मस्ट बी केप्ट फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल थ्रू आउट इन द बॉडी जो हमारा ब्लड है वो हमेशा बहता रहता है हमारे कहाँ पे हमारे ब्लड वेसल में हमेशा ब्लड बहता रहता है थ्रू आउट द बॉडी पूरे शरीर शरीर भर में ठीक है तो हमारे पूरे शरीर भर में ये जो ब्लड है वो बहते रहता है क्यों फ्रॉम द ब्लड डैट फ्लो इन आवर बॉडी मतलब इसका मतलब क्या हो गया जो ब्लड जो हमारे शरीर में बहता है वी गेट द एयर डेट बी ब्रीथ हमें हवा मिलती है कब जब हम सांस लेते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड जब खाना जब पसता है तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आलसो कैरिट मतलब ले करके जाया जाता है एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी शरीर के प्रत्येक भाग में न्यूट्रिएंट्स और हवा को ले जाया जाता है किसके द्वारा बाय द ब्लड ब्लड के द्वारा मतलब ब्लड क्या कहते हैं करता है न्यूट्रिएंट्स को और एयर को पूरे शरीर में ले कर के जाता है फॉर दिस परपज इस परपज के कारण मस्ट बी केप्ट फ्लोइंग इन द ब्लड इसलिए इन इस परपज को पूरा करने के लिए हमारे ब्लड हमारा जो ब्लड होता है हमेशा बहता रहता है कहाँ बहता रहता है थ्रू आउट द बॉडी पूरे शरीर में हमारा ब्लड जो है आता जाता रहता है ताकि हमारे पूरे शरीर को वो एयर हवा और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर सके। ओके नेक्स्ट द ब्रेन हैज़ टू बी केप्ट कम्प्लीटली सेफ हमारा जो ब्रेन है वो एकदम से सुरक्षित क्यों होना चाहिए आंसर देखिए द ब्रेन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन जो हमारा ब्रेन होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है इट कैरी आउट मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारा ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है इफ़ देर इज इंजरी टू द ब्रेन अगर ब्रेन में चोट लग जाती है इंजरी हो जाती है द पर्सन कैन बी डिसेबल पर्सन जो है डिसेबल हो सकता है फॉर लाइफ और इवेंट डाई और या मर भी सकता है ठीक है अपंग हो सकता है अगर ब्रेन में चोट लगी तो देर फॉर द ब्रेन हैज टू बी केप्ट कंप्लीटली सेफ इसलिए ब्रेन को सुरक्षित होना सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है देख सकते हैं देखिए एक आपका टेक्स्ट बुक है वाट इज मीन्ड बाई इंटरनल ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन का मतलब क्या होता है द ऑर्गन प्रजेंट इन साइड द बॉडी एंड दोज विच कैन नॉट बी सी फ्रॉम आउटसाइड आर कार्ड इंटरनल ऑर्गन वह ऑर्गन जो हमारे शरीर के अंदर के हिस्से में पाए जाते हैं और जिसको हम देख नहीं सकते हैं उसको कहते हैं इंटरनल ऑर्गन दे कैरी आउट मैनी इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल फंक्शन इसका मतलब क्या हो गया वो जो है हमारे शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन अदा करते हैं क्वेश्चन नंबर टू देखिए नेम द टू कैविटी इन द एबडोमन पेट की दो कैविटी का नाम होता है का मतलब होता है खाली जगह ठीक है तो एबडोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी दो कैविटी है पेट के अंदर एबडोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी आर द टू कैविटी ये दो कैविटी हैं खाली जगह हैं जो हमारे पेट में पाई जाती है जो हमारे एबडोमन में पाई जाती है नेक्स्ट देखते हैं विच इंपॉर्टेंट ऑर्गन आर सिचुएटेड इन द रिपकेच इन द थोरासिक कैिटी मतलब विच इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गन आर सिचुएट मतलब स्थित होता है इन द रिपकेच हमारी छाती की पसलियों में इन द्रासी कैिटी थोरासी कैिटी में में कौन से हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है देखते हैं द हार्ट एंड द लंग्स हमारा हृदय और हमारे लंग्स हमारे फेफड़े आ सिचुएटेड पाए जाते हैं इन द केज कहाँ रिब केज में इन द थोरासिक कैबिटी थोरासिक कैविटी में केज के अंदर हमारे हार्ट और लंग हृदय और फेफड़े पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखिए वाई डज द चेस्ट स्वेल वेन वन ब्रीद इन स्वेल स्वेल मतलब फूलना हमारी छाती कब फूलती है जब हम सांस लेते हैं क्यों ऐसा होता है वेन वी वेन बी ब्रीद इन द आउटसाइड एयर इंटर द बॉडी एंड हेंस द चेस्ट स्वेल मतलब जब हम सांस लेते हैं और बाहर की हवा हमारे फेफड़े में आती है अंदर आती है तब हमारी छाती फूल जाती है नेक्स्ट देखते हैं वाई इज द ब्रेन सिचुएटेड इन द केजिंग ऑफ द स्कल मतलब हमारा जो ब्रेन जो होता है वो हमारी खोपड़ी के अंदर क्यों होता है क्यों पाया जाता है खोपड़ी के अंदर तो आंसर देखिए द ब्रेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन हमारा ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है महत्वपूर्ण है इफ़ देर इज इंजरी टू द ब्रेन अगर ब्रेन में चुट लगती है अ पर्सन कैन बिकम डिसेबल एक आदमी जो है अपंग बन सक सकता है अपाहिज बन सकता है अगर इसको ब्रेन में चोट लगती है कभी कभार तो मर भी सकता है देयर फॉर द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन दे इन ए बोनी केस कार्ड स्किल ठीक है तो इसके लिए हमारा जो ब्रेन होता है वो खोपड़ी के अंदर मतलब स्कल के अंदर सुरक्षित रखा गया है फिर नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इम्पॉर्टेंट फंक्शन डज द ब्रेन परफॉर्म हमारा ब्रेन जो है कौन सा इम्पॉर्टेंट फंक्शन अदा करता है तो पहला है कंट्रोलिंग ऑल द बॉडी मूवमेंट हमारे पूरे बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है सेकेंड क्या है बिकमिंग अवेयर ऑफ इमोशन सच अ जॉय एंगर फियर जो जॉय होता है जो खुशी होती है एंगर जो गुस्सा होता है जो डर होता है उस उसके प्रति हमें क्या करता है अवेयर करता है जागरूक करता है कौन जागरूक करता है हमारा ब्रेन ठीक है इंटरेप्टिंग इंटरप्रेटिंग इंटरप्रेटिंग द इनफॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग डेट इज कन्वेड बाय द सेंसरी ऑर्गन मतलब हमारे आसपास जो भी कुछ भी घटित होता है हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही है उसके प्रति उसकी जो सूचना जो है वो माइंड अपने अंदर कलेक्ट करता है इकट्ठा करता है और उसके प्रति क्या करता है अपना रिएक्शन देता है एक्शन करता है स्टोरिंग द मेमोरी एंड रिमेंबरिंग इट बैक वे नीडेड जब भी आप वो क्या करता है जान आ, जानकारी को इकट्ठा करता है ठीक है उसको याद करता है और जब आपको ज़रूरत होती है तब उसको वापस करता है ठीक है स्टोरिंग द मेमरी मेमोरी को स्टोर करता है कौन ब्रेन करता है आई रिमेंबर उसको याद भी करता है इट बैक वेन यूर नीडेड और इसको वापस भी करता है जब आपको जरूरत पड़ती है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं यूज योर ब्रेन पावर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए सोचिए पहले द organ विच हेल्प डाइजेस्ट आवर फूड आर इन the abdomen. द the फेगस इज इन द थोड़ा सी कैबिटी वाई ये क्या बोला है कि <coughs> जो हम जो हम खाना खाते हैं वो सब कहाँ होते हैं अपडोमन होते हैं ठीक है वह ऑर्गन जो हमारे खाने खाने को पचाते हैं वो कहाँ पे होते हैं अपडोमन में होते हैं कहाँ होते हैं पेट के अंदर होते हैं ठीक है वनली द ओसोफेगस इज इन द थोड़ा कैविटी केवल जो ओसोफेगस होता है ठीक है ओसोफेगस मालूम है जो मुँह से जो पाइप होती है हो, जो हमारे स्टोबक में जाती है वो केवल हमारे थोड़ा सी कैबिटी में क्यों होती है ठीक है आंसर देखते हैं वी टेक द फूड थ्रू द माउथ हम लोग क्या करते हैं मुँह से खाना लेते हैं आफ्टर अचीविंग इट विद द हेल्प ऑफ द टीथ क्या करते हैं फिर हम खाने को चबाते हैं दांत की हेल्प से द फूड इज मिक्सड विथ सलाइबा जो खाना होता है खाने में क्या मिक्स होता है सलाइबा जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं लार मिक्स हो जाती है लार क्या एक रस है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करा कराने में हेल्प करती है इट देन बिकम ए सॉफ्ट मॉइस्ट बॉल तो मुँह के मुँह मुँ में क्या होता है जो हम खाना खाते हैं जो हम रोटी का टुकड़ा लेते हैं तो मुँह में क्या होता है वो उसका गोला बन जाता है ठीक है मुलायम बी गर्ल्प इट दिस इसको हम निगल लेते हैं एंड सेंड इट टू आवर इस्टोमक और निगल करके कहा जाता है हमारे स्टोमक पेट में आता है ठीक है मुँह से कहा मुँह से खाना जो हमारे पेट में आता है फॉर दिस परपज़ इस पर्पज के लिए इस पर्पज की पूर्ति के लिए इस पर्पज को पूरा करने के लिए देयर शुड बी ए ट्यूब टेकिंग द फूड फ्रॉम माउथ माउथ टू स्टोमक तो हम हमने आ, अपने मुंह के अंदर जो खाने को जो चबाया है भोजन को जो चबाया है वो मुंह से होकर के सीधा हमारे पेट में चला जाए तो उसके लिए क्या होना चाहिए द स्टोमक एंड अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन आर इन द एब्डोमिनल कैविटी ठीक है तो हमारे पेट में और अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन जो हमारे और दूसरे पचाने वाले ऑर्गन हैं आर इन द आर इन द एब्डोमिनल कैविटी तो वो सब कहाँ होना चाहिए हमारे एब्डोमिनल कैबिटी में होना चाहिए देखो मैंने फिर से कहा कैविटी का मतलब होता है खाली जगह ठीक है तो स्टोमक और जो दूसरे पचाने वाले ऑर्गन हैं वो कहाँ होने चाहिए वो कहाँ होना चाहिए हमारे एबडोमिनल कैविटी में होनी चाहिए बट दिस ट्यूब कार्ड ओसो फोगस मतलब इस ट्यूब को क्या बोलते हैं ओसो फोगस बोलते हैं जो मुंह से हमारे भोजन को स्टोमक तक या एबडोम तक लेकर के जाती है हैज टू इन थोड़ा सी केविटी. वो कहाँ होनी चाहिए हमारे थोड़ा सी में होनी चाहिए इट कनेक्ट द माउथ क्या करती है जोड़ती है मुंह को किससे ब्रिद दोमक ये जो हमारा ओसोफेगस है जिसको हम गुलेट भी बोलते हैं वो हम वो मुंह माउथ और पेट को कनेक्ट करती है दस वनली ओसोफेगस इज इन द थोड़ा कैविटी इसलिए जो ओसोफेगस होता है वो हमारे थोड़ा कैविटी में होता है ताकि वो मुंह और स्टोमक दोनों को कनेक्ट कर सके हाउ आर द फ्लेक्सीबल वाल ऑफ द ओसोफेगस यूजफुल इसमें क्या बोला है कि ओसोफेगस जो है उस जो ओसोफेगस होता है जो पाइप होता है उसकी जो दीवारें होती है वॉल्स मतलब दीवार वो फ्लेक्सिबल क्यों होनी चाहिए इसका आंसर आपको लिखना है इसका आंसर है द सॉलिड फूड नीड टू बी सेंट फर्दर टू दोमक मतलब जो हम फूड को जो हम मुंह के जो फूड को जब हम निगलते हैं तो कहाँ जाती है हमारे स्टोमक में जाती है कहाँ जाती है हमारे स्टोमक में जाती है किसके द्वारा बाय द ओसो के द्वारा ओसो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आहार नली बोलते हैं हिंदी में ठीक है वो जो है मुंह से सीधा हमारे पेट में आती है ऑसोफेगस के माध्यम से द फ्लेक्सीबल वॉल ऑफ द ओसोफेगस हेल्प टू पुश द फूड तो देखो ऑसोफेगस ऑसोफेगस की जो वॉल्स होती है बहुत फ्लेक्सीबल होती है बहुत लचीली होती है क्यों लचीली होती है ताकि टू पुश द फूड ताकि वो आ, ये भोजन को फूड को धक्का दे सके इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे की ओर धक्का दे सके तो अगर ओसोफेगस की वाल्स जो होती है फ्ले, आ, फ्लेक्सिबल होगी तो क्या करेगा वो फूड को आगे की ओर धक्का देगा या पहुंचा देगा ठीक है नेक्स्ट थिंक एंड टेल सोचो और बताओ वाट डू बी पैंट वेन बी हैव बीन रनिंग हार्ड फॉर सम टाइम ठीक है जब हम दौड़ते हैं तो हमारी धड़कन क्यों बढ़ जाती है उसके बारे में बताना है आपको वेन बी रन आवर हार्ट फोर्सफुल्ली कंट्रैक्ट टू सेंड मोर ब्लड इन द लेग मतलब क्या होता है जब हम दौड़ते हैं तो हमारा जो हार्ट होता है जो हमारा हृदय होता है वो क्या करता है सिकुड़ता है और बहुत अधिक मात्रा में ब्लड को पैरों की ओर भेजता है टैंट मिलेगा कहते हैं काँपते देखो जब हम दौड़ते हैं तो हमारा पैर क्यों काँपता है ठीक है तो जब हम दौड़ते हैं तो हमारा जो हार्ट होता है जो हमारा दिल होता है वो ब्लड को बहुत तेज़ गति से पैर की ओर पैरों की ओर लेग की ओर भेजता है द हार्ट वर्क रैपिडली मतलब हमारा हृदय जो है हार्ट जो होता है बहुत तेज़ी से काम करता है इन सच के ऐसे कामों में ऐसी सिचुएशन में हमारा जब हम दौड़ते हैं तो हमारा दिल बहुत तेज़ी से काम करता है द लंग्स आल्सो पंप मोर एयर टू द बॉडी और साथ ही साथ हमारा जो फेफड़ा होता है वो क्या करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में हवा को एयर को हमारे अन्य बॉडी पार्ट्स तरफ भेजता है देयर फॉर आवर पल्स रेट बिकम फास्ट इसलिए हमारी जो पल्स रेट होती है इसलिए जो हमारी पल्स रेट होती है वो बढ़ जाती है नेक्स्ट देखिए ठीक है ओके वेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब हमारा हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड द ब्लड इन द हार्ट इज़ पुश्ड इन टू द ब्लड बेसल तो जब हमारा हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो होता है वो पुश किया जाता है ब्लड बेसल की तरफ तो ब्लड बेसल क्या होता है हमारे शरीर में जो है ना एकदम एकदम पतली 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 सी क्या है रक्तवाहिनियाँ हैं रक्तवाहानी का मतलब होता है ब्लड बेशल इसको हिंदी में बोलते हैं रक्तवाहिनी बोलते हैं तो रक्तमानी तो मतलब ब्लड वेसल में क्या होता है ब्लड वेसल एकदम पतली पतली से होती है कुछ तो ऐसी होती है जो हमको दिखाई भी ना पड़े तो उसमें ये जो ब्लड वेसल है ये हमारे शरीर सरी, शरीर के हर एक पार्ट में फैली हुई है और इनमें से होकर जो ब्लड बहता है जब हार्ट जब पंप करता है जब कंटैक्ट होता है कंटैक्ट होता है तो वो क्या करता है ब्लड को इन ब्लड वेसल के माध्यम से पूरे शरीर में भेजता है द हार्ट इज लाइक ए क्लोज द हार्ट इज लाइक क्लोज बैग कंटेनिंग ब्लड मतलब दिल हमारा दिल क्या है एक ऐसा बैग है जिसमें ब्लड भरा हुआ है वेन इट कंटेक्ट जब सिकुड़ता है ऐसे करता है देर इज प्रेशर ऑन द ब्लड तो क्या करता है वो ब्लड पर प्रेशर बनाता है प्रजेंट इन दार्ट ठीक है तो हार्ट में जो ब्लड रहता है उस पर वो प्रेशर बनाता है दबाव बनाता है कौन जब वो सिकुड़ता है हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होता है कंट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना होता है ठीक है हिंदी में बोलते हैं उसको इफ़ ए प्रेशर इज़ अप्लाइड इफ़ ए प्रेशर इज़ अप्लाइड टू ए अगर एक प्रेशर को अप्लाइड किया जाता जाता है कहाँ पर लिक्विड इन ए क्लोज स्पेस ठीक है अगर एक एक लिक्विड में लिक्विड पर प्रेशर को अप्लाइड किया जाए तो क्या होगा वो जो लिक्विड होता है आगे की ओर बढ़ेगा इट गसेस फ्रॉम वेन इट फाइंड इट्स आउट तो जब किसी लिक्विड को प्रेशर दिया जाएगा तो क्या होगा जहाँ उसको रास्ता मिलेगा उस तरफ हो जाएगा लिक्विड ब्लड क्या है? एक लिक्विड ही है सिमिलरली इसी प्रकार से वेन प्रेशर इज़ पुट ऑन द हार्ट इसी तरह से जब प्रेशर पर जब हार्ट पर दबाव बढ़ता है, दबाव पड़ता है ड्यूटिश कंट्रेक्शन कंट्रेक्शन की वजह से द ब्लड स्पूसिस ब्लड को ढक्का दिया जाता जाता है इन टू द ब्लड बेशल ब्लड बेशल की तरफ से अब मैंने कहा ब्लड बेशल का क्या है ब्लड बेशल वो ऐसा ये बेशल है जिसमें जो पूरे शरीर में फैली हुई है और ब्लड बेशल के माध्यम से ही हमारे शरीर के हर पार्ट को ब्लड मिलता है और एयर मिलती है तो इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज पूरा ख़त्म होता है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ठीक है ओके तो इस चैप्टर के एक्सरसाइज को यहीं पे फिनिश करते हैं थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू